Hello creative filmmakers, thank you for watching. Well gentlemen, my name is Anil Shebe and you are watching After Effects CC 2019 tutorial series in Hindi. इस वीडियो में आज का टॉपिक है हाउ टू स्टेबलाइज एनी शेकी वीडियो। अच्छा वीडियो आउटपुट ही अच्छा वर्क माना जाता है, ये बात तो हर किसी को पता है। पर कई बार वीडियो शूट करते टाइम हमारे पास ट्राईपॉड या स्टडी कैम नहीं होता, इसलिए हमें हैंडहेल्ड शॉट लेना पड़ता है और जो क्वालिटी एक्चुअल में मिलना चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। इससे कई बार क्लाइंट भी नाराज़ हो जाते हैं और जिसका असर बिजनेस पे भी दिखना शुरू हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम को हम सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आज के टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहले ओपन कर दीजिए आपका आफ्टर इफेक्ट्स सीसी 2019 या फिर आप CS6 से लेकर कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले वीडियो को इनपुट करना है। इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इनपुट फाइल। यहाँ से आपको कोई भी वीडियो लेना है जो शेकी फुटेज है, मैं अभी स्टॉक वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए और इनपुट करना है। ठीक है, इनपुट करने के बाद देख सकते हो आप यहाँ पे टाइमलाइन पे आ चुका है। तो इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो किस तरह का है। आप देख सकते हो थोड़ा शेकी टाइप आ रहा है वीडियो, काफ़ी स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको स्मूथ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो प्रोसीजर बता देता हूँ। इसको पॉज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस साइड में ये जो पैनल दिख रहा है यहाँ पे आपको सर्च करना है इफेक्ट एंड प्रीसेट। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इफेक्ट में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके देख सकते हो, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन हाइड दिखा रहा है या फिर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको विंडो में जाना है। विंडो में जाके सेम जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सेम वही प्रोसीजर करना है आपको, इफेक्ट एंड प्रीसेट इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें सिंपली आपको लिखना है वार्प स्टेबलाइजर। आप देख सकते हो यहाँ पे वार्प स्टेबलाइजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिप पे भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे लाके ड्रैग करके छोड़ सकते हैं। अभी देख सकते हो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसका इफेक्ट आ चुका है और ये एनालाइज कर रहा है, जो फ्रेम बाय फ्रेम है उस फ्रेम को एनालाइज कर रहा है।